गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन. इसके फोर पार्ट्स आपके सामने मैंने लिख दिए हैं. इन चारों पार्ट्स की हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों. इनको करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज लर्न करने हैं दोस्तों. जो फॉर्मूलाज हैं वो किस तरीके से हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको. साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है. अभी आया कैसे इसका भी मैं छोटा सा प्रूफ देने वाला हूं आपको, जिससे ये चीजें आपके लर्न हो जाएंगी. इनके अंदर 8.3 पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये फॉर्मूलाज जो हैं वो यूज में आएंगे दोस्तों. ध्यान रखना साइन का फॉर्मूला किसके इक्वल है, कोस के इक्वल. तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल. ठीक है, दोबारा देख लीजिए. साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. तो याद रह जाएगा साइन का कॉस और कॉस का साइन, ये 90 माइनस थीटा इधर और ये थीटा इधर, हो जाएगा याद. दूसरी बात, दो फॉर्मूले और हैं वो भी लर्न कर लीजिए आप. टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉट थीटा, फिर कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. सिमिलर है ना, देखिए सिमिलर है. टेन का कोट और कोट का टेन, ये 90 माइनस थीटा आपका सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक. ठीक है ना, इस तरीके से ये लर्न हो जाएंगे. अब ये आए कहां से, जिस दिन मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल सिखाई थी ना दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिस दिन फर्स्ट डे हमने की थी, उसके अंदर मैंने रिवर्स के मेथड बताए थे. फर्स्ट दो लाइनें आपस में रिवर्स थी, सेकंड दो लाइनें आपस में रिवर्स, और लास्ट दो लाइनें आपस में म्यूचुअली रिवर्स थी. ठीक है ना, ये मैंने आपको उस टाइम ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर बताया था. और जिन लोगों ने वो टेबल नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों. तो ये फॉर्मूले हमें लर्न करने बहुत जरूरी हैं. सिंपल से हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक. ठीक है ना, अब ये चारों जो क्वेश्चन है इनका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूं. इसका वन, इसका वन, इसका जीरो और इसका जीरो. अब आप कहेंगे सर आपने तो इतनी जल्दी बता दी, हमें कैसे पता चलेंगे. आपको भी ऐसी चुटकियों से लर्न होंगे, देखते जाइए दोस्तों. फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन 18 अपॉन कॉस 72. हमें पता है साइन का फॉर्मूला कोस में होता है और कोस का फॉर्मूला साइन में. यहां देखिए, यहां देख सकते हो आप. अब देखिए सिंपल सी बात, ध्यान से देखिए. ऊपर वाला मैंने सेम रखा, साइन 18 को मैंने नहीं छेड़ा भाई, साइन 18 को मैंने कोई चेंज नहीं किया. कोस थीटा है, ये क्या है, कॉस थीटा. एंगल जो भी हो यहां पे क्या दे रखा है, कॉस थीटा. तो भाई कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या, कॉस थीटा का फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा. ठीक है ना, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन, ये कॉस थीटा था, यहां थीटा कितना है 72. एक क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद में चुटकियों में आपको ये क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे. ठीक है, साइन 18 आपका सेम रहेगा, कॉस थीटा है ये, थीटा यहां पे क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा. तो साइन के अंदर 90 माइनस थीटा कितना 72, थीटा कितना 72. अब देखिए साइन 18, ये ऊपर वाली टर्म सेम लिख दी मैंने, यहां देखिए साइन 90 माइनस 72 कितना 18. क्या अब ये सेम नहीं बचा, ये बच गया, सेम कट गया, क्या बच गया, वन. एक कंफ्यूजन मत रखना अपने दिमाग में, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि साइन से साइन कट गया, 18 से 18 कट गया, 18 से 18 कट गया, ऐसा नहीं है भाई. साइन 18 पूरा एक नंबर है, एक फंक्शन है, ये कट गया, फिर ये साइन 18 है, पूरे फंक्शन से पूरा फंक्शन कटेगा और आंसर क्या आएगा, वन. आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वन, यानी कि सबका मालिक एक. ठीक है ना, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट की बात करें तो यहां है 10 26 अपॉन कोट 64, 10 26 अपॉन कोट 64, ये तो 10 का फॉर्मूला कोट में और कोट का 10 में. यहां कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि नीचे वाली चीज को ही चेंज करोगे आप ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हो, बस एक चीज चेंज होगी, या तो नीचे वाला या ऊपर वाला. इस बार मैं आपको नीचे वाले को सेम रख के दिखाता हूं, कोट 64 ये मैंने रखा सेम. भाई 10 थीटा का फॉर्मूला कितना, 10 थीटा का फॉर्मूला कितना, कोट 90 माइनस थीटा.
तो ये टेन थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, 26, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा कोट 90 माइनस 26, कैलकुलेशन आती है क्या, कोट 90 में से 26 माइनस करो, व्हाट विल बी रिमेनिंग, आपके पास बचेगा 64, और नीचे भी क्या पड़ा है 64, ये पूरा एक फंक्शन और ये पूरा एक फंक्शन कट गया, कटने के बाद क्या बचा, क्या बचा मेरे दोस्तों, सबका मालिक एक बचा, समझ में आ रही है ना बात, बिल्कुल सिंपल सी। एक एग्जांपल और देता हूं, ये दोनों क्वेश्चन अभी करवाता हूं, उससे पहले एक एग्जांपल देता हूं, मैंने आपको बोला था कि ये प्रूफ करवाता हूं, तो यहां एक छोटा सा प्रूफ देख लीजिए आप, ये फॉर्मूले बने कहां से। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, साइन 30 की वैल्यू कितनी, टेबल लर्न की है या नहीं की, लर्न करनी जरूरी है, जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। अब मैं ऐसे लिख लूं कोस 90 माइनस 30, दोबारा देख लीजिए मैंने क्या लिखा, कोस 90 माइनस 30, जो थीटा यहां था वो यहां लिखा, अब 90 माइनस 30 कितना होता है, ये बात अलग थी ऊपर वाली, नीचे वाली बात अलग है, कॉस 60, 90 में से थीटा माइनस किया तो क्या बच गया, कॉस 60, अब कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/2, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखिए जो साइन 30 है वो किसके इक्वल है, कॉस 60 के, दोनों की वैल्यू सेम है ना, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2, यहां से इस 30 को क्या लिख लो आप, 90 माइनस 30 लिख लो और क्या बच जाएगा, कॉस 60, समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ध्यान रखना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहां देखिए ये थीटा है और ये क्या है, थीटा है, अगर दोनों तरफ थीटा सेम है तो साइन की वैल्यू कॉस में सेम रहेगी, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, 30 को 90 में से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 60, लेकिन बचेगा किसका, कोस का, साइन जब 90 में से माइनस हो जाएगा तो कॉस बन जाएगा, साइन जब 90 में से माइनस हो जाएगा तो कॉस बन जाएगा, और कॉस जब 90 में से माइनस हो जाएगा तो साइन बन जाएगा। आपको रिलेशन बता देता हूं, मैं रिलेशन बता देता हूं, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के इक्वल होती है, ठीक है, इसी तरीके से टेन 30 की वैल्यू कोट 60 के इक्वल होती है, इसी तरीके से किसकी वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू कोसेक 60 के इक्वल होती है दोस्तों। तो 30 और 60 में क्या रिलेशन है, 90 माइनस 60 करोगे तो 30 आएगा और 90 माइनस 30 करोगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, ये चीजें आप टेबल में देख लेना। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि टेबल को थोड़ा ध्यान से देखो और नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, इसका आंसर है जीरो। कैसे है जीरो बता देता हूं, कॉस 48 माइनस साइन 42, ठीक है, अब इसमें से भी एक को ही चेंज करना है, इनमें से ऊपर नीचे वाला एक को चेंज किया था, इसमें भी ऊपर नीचे वाला एक को चेंज किया था, यहां कॉस है यहां साइन है, इसका मतलब पहले दो फॉर्मूलों में से कोई भी लगा दो, ठीक है, तो यहां इसको सेम रख रहा हूं मैं भाई, सेम रखा मैंने, मेरी मर्जी, साइन थीटा, थीटा कितना 42, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या, क्या बन जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना 42, व्हाट इज थीटा, थीटा हमारा 42, देखो कॉस 48 माइनस ये क्या है 90 में से 42 माइनस करो क्या बचेगा 48, ये बच गया जीरो, कट गया ना, कॉस 48 माइनस कॉस 48 खत्म, जीरो बच गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट और देखें, फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, कोसेक 31 माइनस सेक 59, तो सेक और कोसेक एक ही बात है मेरे भाइयों, सेक का कोसेक है और कोसेक का सेक है, ध्यान से देख लिया करो, आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि मुझे ये फॉर्मूले लगाने हैं, फॉर्मूले तो ट्रिग्नोमेट्री में और भी बहुत सारे हैं, वो क्यों नहीं लगे, ये ही क्यों लगे, जो एंगल है देखो 26 और 64 इनका सम करके देख लो 90 बन रहा है क्या, 18 प्लस 72 करके देख लो 90 बन रहा है क्या, ठीक है, 42 प्लस 48 करके देख लो 90 बन रहा है क्या, भाई एंगल का सम कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए एंगल का सम, 31 प्लस 59 करके देखो 90 बनेगा, तो किसी एक को चेंज कर दो, इस बार हम इसको करते हैं चेंज, कोसेक थीटा का क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा, थीटा कितना रहेगा 31, ये सेम रखेंगे, देखो मैंने दोनों दोनों करके बता दिया आपको, यहां इसको चेंज नहीं किया था इसको कर दिया, यहां इसको चेंज कर दिया इसको नहीं किया, ठीक है, किसी को भी कर सकते हैं, दोनों में से एक को करना है बस,
ये sec आपका सेम 90 माइनस 31 कितना 59 और ये 59 आपका पड़ा ही है, दोनों कहानी खत्म। आंसर कितना जीरो, आंसर कितना जीरो, आंसर कितना वन और आंसर कितना वन। 8.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों।